नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल ग्रीन अक्ष में। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे दोस्तों 30 प्लस बेल वाले पौधे, जी हाँ लतर वाले पौधे, जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया चलते हैं, आपके छत की दीवारों को पकड़ के और फर्स्ट क्लास दूर से देखने में अच्छे लगेंगे। अगर आपने अपने घर में पुताई भी नहीं करवाई है तो ये पूरा छुपा लेते हैं, आपको घर की पुताई उताई करवाने में भी टेंशन नहीं रहेगी, उससे ही ये खूबसूरत लगते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला प्लांट है क्लेमेटिस वाइन, जी हाँ ये 3 से 4 कलर में मिलते हैं मार्केट में, नर्सरी में यानी कि, और ये बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें लगता है और ये जिस समय फूल खिलता है तो देखते ही बनता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये। तो दोस्तों इस प्लांट को आप अपने गार्डन में, गार्डन की आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अपने पॉट में लगा के घर के बाहर रख सकते हैं। अगला प्लांट है क्लेम्बिंग हाइड्रेंजिया, दोस्तों ये प्लांट भी सफ़ेद फूल खिलता है, महक इसमें होती है और आपके घर के दीवार को ये पकड़ कर चलेगा फर्स्ट क्लास और पूरे पे ये छा जाएगा, और जब फूल गिरते हैं सुहानी खुशबू इसकी भीनी भीनी से रहती है, बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगला प्लांट है दोस्तों वर्जीनिया क्रीपर, जी हाँ ये लपट कर एकदम दीवार को पकड़ कर चलती, देखिए दीवार में पुताई पुट्टी नहीं हुई है मगर ये पूरा छुपा ली है। तो इस प्लांट को दोस्तों आप ज़रूर लगाएं, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है, आपको टाइम नहीं है घर पुताने रंग आने का, तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, पूरा ये ढक के कवर कर लेती है। अगला प्लांट है दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी, ये फूल बैंगनी नीले कलर में खिलते हैं और ये सुबह में खिलते हैं, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट इसको कहा गया दोस्तों, और ये शाम को बंद हो जाते हैं फूल इसके। तो इस प्लांट को लगाएं, अपने घर गार्डन में ऐड करें और खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है, बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों ये फूल, इसको आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये है इंग्लिश आईवी, इसकी पत्तियाँ तिकोन होती हैं और ये डबल कलर में होती हैं, सफ़ेद और हरे से मिक्स, और ये देखते ही बनती है इसकी खूबसूरती, एकदम समझ लीजिए चाइना वायलेट जैसे छोटा प्लांट होता है, ये बड़ा है मगर ये लतर वाला है प्लांट है। तो इस प्लांट को लगाइए, अपने गार्डन में ऐड करिए और अपने घर के खूबसूरती में 4 चांद लगाएं, बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है दोस्तों ये। इसके बाद अगला प्लांट है दोस्तों बोगनवेलिया, बोगनवेलिया हाइब्रिड और मिनिएचर दोनों आ गए हैं इस समय, देसी भी हैं, और इसकी जो बोनसाई भी बनती है ये लतर चलता है पूरे दीवार पर छेक लेता है दूर से खुशबू तो नहीं मगर इसमें जो है इसके फूल बहुत प्यारे आते हैं, कई कलर में फूल आते हैं इसमें। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं और अपने घर को सजाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, पूरा भरा भरा पत्ती नहीं दिखती, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं, कोई भी कलर का आप लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों क्लैम्पिंग रोज़, ये वैरायटी दोस्तों चढ़ने वाली लतर है गुलाब की, ये दीवार को छत को रेलिंग को पकड़ कर चलती है, पूरे में फूल खिले रहते हैं गुलाब के। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें दोस्तों, बहुत ही फर्स्ट क्लास फूल इसमें आते हैं, कई कलर के इसमें आपको लतर मिल जाएगी, फूल की वैरायटी इसमें अलग अलग होती है, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों कॉन्फेडरेट जैस्मिन, ये लतर वाली जैस्मिन है और ये दीवार को लपट कर चलती है, देखिए इस तरह से, और आपके दीवार के पूरे स्पेस को छेक लेगी ये, और खूबसूरत तो है ही साथ में खुशबू भी इसमें रहती है। तो इस प्लांट को दोस्तों आप ज़रूर ऐड करें, खुशबू भीनी भीनी रहती है। अगला प्लांट है दोस्तों वेस्टेरिया वाइन, ये लपट कर देखिए एक रॉड में लग के चल रही है, इस तरह से आप अपने दीवार पे भी लगा के चला सकते हैं और आपको ये बहुत से कलर में मिल जाएंगे, और इसकी आप चाहें तो बोनसाई भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है इसका पर्पल कलर का। इसके बाद दोस्तों अगला प्लांट है हनी शक्ल, यानी जी ये उस टाइप में होता है और इसमें मक्खियाँ बहुत आती हैं, मधुमक्खी, और खूबसूरत प्लांट होता है ये, देखिए गुच्छों में फूल आते हैं इसमें, और ये भी पकड़ कर चलता है दीवार को धीरे धीरे, और नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा आप। अगला प्लांट है दोस्तों कॉमन जैस्मिन, ये जैस्मिन हर जगह मिल जाती है, हर नर्सरी में, हर स्टेट में। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही खुशबू होती है इसमें, इस फूल में, और ये पूरा दीवार को कवर कर लेता है, जिस तरह से ये देखिए कवर किया हुआ है, इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, कलम आराम से लग जाती है ये, और बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है इसमें, इस फूल में,
पूरा छेक लेता है। अगला प्लांट है दोस्तों कप एंड शकर वाइन। जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूल इसमें देता है। ये लतर वाला प्लांट है और ये ज़्यादातर इसको जो है ठंड पसंद है, यानी विंटर इसको ज़्यादा पसंद है। तो इसको आप लगाएं और कोशिश करें कि इसको इंटरनल इनडोर में लतर करके लगाएं, यानी आपके आंगन में या फिर जो है बरामदा में उस तरफ। आउटडोर इसको मत लगाइए, ये इनडोर बढ़िया चलेगा। शेड एरिया में फूल इसमें सफ़ेद और बैंगनी कलर में खिलते हैं ये। अगला प्लांट है दोस्तों मैंडेविलिया। इसमें फूल दोस्तों सफ़ेद आते हैं, साथ में लाल भी फूल खिलते हैं इसमें। खूबसूरत तो बहुत होता है ये, इसकी खूबसूरती इसके फूल से बढ़कर निखरती है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये। दीवार को पकड़कर, पूरे रेलिंग को पकड़कर ये चलता है और दूर से फूल इसके बड़े बड़े दिखते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों बटरफ्लाई पी, यानी इसको जो है अपराजिता भी बोलते हैं। ये तो हमारे देश में बहुत फेमस है, इंडिया में, और ये फॉरेन में भी अब लोग लगाने लगे हैं। इसकी खासियत तो आप जानते ही हैं, ये वास्तु दोष दूर करता है, शुगर और जो है कोलेस्ट्रॉल सब कम करता है इसका फूल। इसकी ग्रीन टी बनाकर लोग पीते हैं इसके फूल की। तो दोस्तों इस प्लांट को आप लगाएं, ये दीवार को पकड़कर क्रीपर की तरह चलता है। अगला प्लांट है दोस्तों ट्रम्पेट वाइन। ये फूल जो है ऑरेंज कलर में, येलो कलर में आते हैं और ये दीवार को लपट कर चलते हैं फर्स्ट क्लास। ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं सब आर्द्रता ग्राही होते हैं। दीवार से, पेड़ से नमी खींच लेते हैं और ये कटिंग आराम से लग जाते हैं। इसको आराम से जो है लगाइए और खूबसूरत लगते हैं, हरे पत्तों में नारंगी फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही बढ़िया फूल होता है, देता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों डचमैन स्वाइन। इसमें फूल जो है हल्के जो है बैंगनी कलर में होते हैं और पत्ते इसके पान के जैसे होते हैं। फूल इसमें खिलता है, 3 से 4 कलर में ही आपको मिल जाएंगे। ये भी आपकी दीवार को पकड़ कर चलेंगे फर्स्ट क्लास, आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होनी होगी इससे। ये खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, इसको विंटर ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आता है दोस्तों कैनरी क्रीपर। इसमें पीले फूल खिलते हैं, इसके पत्ते जैसे होते हैं करेला, उस तरह के पत्ते होते हैं, मगर फूल इसमें बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये धीरे धीरे करके आपके पूरे पेड़ को प्लांट में लगा लिया तो पेड़ को पकड़ कर चढ़ जाएंगे, नहीं तो रेलिंग में लगाया है, बारजेप लगाया तो पूरा भर लेंगे ये, और खूबसूरत होते हैं ये दोस्तों। अगला प्लांट है दोस्तों पैशन फ्लावर। दोस्तों इसमें जो है, इसको जो है लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं। इसमें बैंगनी, लाल, सफ़ेद, पीले कई कलर के फूल आते हैं इसमें। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, अपने घर के में ऐड करें और खूबसूरती को बढ़ाएं। इस प्लांट की आप कटिंग भी लगा सकते हैं, जी हाँ, लक्ष्मी कमल की। ये 3-4 कलर मिलते हैं आपको, बारिश में कटिंग लगाएं इसकी तो बहुत बढ़िया ग्रो कर लेता है ये, नर्सरी में भी मिल जाता है ये प्लांट। अगला प्लांट है दोस्तों स्नैप ड्रैगन वाइन। इसमें दोस्तों बैंगनी फूल आते हैं और 5 पत्तियों वाले ये फूल होते हैं और ये लतर वाला प्लांट बहुत खूबसूरत होता है। ये क्रीपर का काम करता है, यानी दीवार में लपट कर चलता है, फर्स्ट क्लास ये। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं अपने घर में और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों ब्लैक आइड वाइन। दोस्तों इसके नाम में ही इसका जो है अंश छुपा है, यानी कि ये ऑरेंज कलर में ये ब्लैक कलर का सेंटर होता है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक आई पड़ा है। और ये ऑरेंज कलर के फूल आते हैं इसमें, हरे पत्तों में, पत्ते इसके एकदम ऐसे बेटल लीफ यानी पान के जैसे होते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ऐड करें। अगला प्लांट है दोस्तों मून फ्लावर, यानी कि चांद फ्लावर। और ये बड़े बड़े फूल इसमें खिलते हैं सफ़ेद कलर के और बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। अगला प्लांट है दोस्तों स्वीट आइटमन वाइन्स। ये सफ़ेद कलर का फूल खिलता है और ये लपट कर दीवार में चलता है। आप बारजेप लगा दीजिए, पूरा रेलिंग आपका ये कवर कर लेगा। बहुत खूबसूरत फूल इसमें खिलते हैं दोस्तों, ये 3 से 4 कलर में मिलेंगे आपको, ये ज़्यादातर सफ़ेद ज़्यादा मिलता है। आप मंगवाएंगे तो ये लाल भी मंगवा देंगे। अगला प्लांट है दोस्तों स्वीट पी का। इसमें 3 से 4 कलर के फूल खिलते हैं इस प्लांट में। आप इसको पॉट में लगा सकते हैं और साथ में इसको जो है चढ़ा भी सकते हैं किसी प्लांट के सहारे, और देखने में बहुत प्यारा लगता है दोस्तों। खूबसूरती तो इतनी होती है कि क्या बताएं। तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें आप अपने गार्डन में। अगला प्लांट है स्काई ब्लू क्लस्टर वाइन। इसमें दोस्तों इसके पत्ती भी खूबसूरत होती है, फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्तों। और ये इंडोर प्लांट है क्योंकि ये विंटर ज़्यादा पसंद करते हैं, आउटडोर गर्मी नहीं झेल सकते ये। तो इसको आप घर के बरामदे में और आंगन में आप इसको लगाएं, किसी पेड़ पर चढ़ा दें तो और बढ़िया चलता है ये।
इसके बाद दोस्तों बहुत ही फर्स्ट क्लास है। अगला प्लांट है कॉमन ग्रेप वाइन, ये दोस्तों अंगूर की बेल है, ये भी चलती फर्स्ट क्लास, कहीं भी लगा दीजिए आप इसको। इसको आप कटिंग द्वारा भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं और इसको जो है ख़रीद भी सकते हैं नर्सरी द्वारा। इसमें हरे और काले दोनों अंगूर मिलते हैं आपको बाज़ार में, तो आपको जो मर्जी हो वो ख़रीद कर लगाएं, फर्स्ट क्लास चलता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों स्नेल वाइन। दोस्तों इस प्लांट को आप नर्सरीज में मंगवा सकते हैं, नर्सरी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। फूल इसमें सफ़ेद और बैंगनी कलर के आते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों, ये क्रीपर की तरह लपट कर चलता है। अगला प्लांट है दोस्तों नेपाल आईवी। जी हाँ, ये इंग्लिश आईवी के जैसा ही होता है, मगर पत्तियाँ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्लांट को पॉट में लगाते हैं या आप अपने गार्डन में लगाते हैं या किसी पेड़ के करीब उसको लगा करके पेड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं, मगर ये हर जगह फर्स्ट क्लास ये चलता है, आप लगा कर देख लीजिए। अगला प्लांट है दोस्तों बोस्टन आईवी। दोस्तों इसमें फूल जो है बहुत खूबसूरत आते हैं, ऑरेंज कलर के और रेड कलर के, पत्तियाँ इसकी बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये भी जो है लपट करके चलता है फर्स्ट क्लास। आपके जो है गार्डन में लगा दीजिए और बागीचा में पूरा भर लेगा ये। अगला प्लांट है दोस्तों साइप्रस पाइन। इसमें दोस्तों 3 से 4 कलर के मिलते हैं, सफ़ेद लाल पीले कई कलर में आते हैं, ये छोटे छोटे फूल खिलते हैं इसमें 5 पत्तियों वाले और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों ये। इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, अपने गार्डन में ऐड करके खूबसूरती बढ़ाएं, बहुत बढ़िया होता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों पर्पल बेल वाइन। ये बेल में फूल जो है पर्पल कलर के आते हैं, इसलिए इसका नाम पर्पल बेल वाइन पड़ा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। जहाँ भी लगा देंगे ये चढ़ता चला जाता है, इसको आपको कोई जो है दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूर से खूबसूरत बहुत लगता है ये और अपने आप चलता है, हर मौसम में ये एडजस्ट कर लेता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों पैंडोरा वाइन। इसको भी आप अपने जो है गार्डन में ऐड करें, क्योंकि इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं, बैंगनी कलर भी मिलता है फूल, और ये पेड़ को पकड़ कर दीवार को पकड़ कर आराम से क्रीपर की तरह चलता चला जाता है और जो घर के आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है दोस्तों ये। अगला प्लांट है दोस्तों ब्लू बेल क्रीपर। दोस्तों इस प्लांट में नीले फूल आते हैं, रेड कलर के भी फूल आते हैं, 2-3 कलर में आते हैं फूल, और इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये और आपके गार्डन को जो है 4 चांद लगा देगा, तो ऐसे प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। अगला प्लांट है दोस्तों मैक्सिकन फ्लेम वाइन। इस प्लांट को दोस्तों आप अपने गार्डन में ऐड करें, इसमें 2 से 3 कलर के फूल आते हैं और बहुत ही अच्छा चलता है ये क्रीपर की तरह। इसको इनडोर आउटडोर कहीं भी लगाएं, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी इसको कि ज़्यादा देखभाल करनी पड़े। अगला प्लांट है दोस्तों ट्रॉपिकल ब्लीडिंग हार्ट वाइन। इसमें दोस्तों सफ़ेद के आगे लाल फूल आते हैं, ऐसा लगता है कि बस ब्लड गिरने वाला हो, तो इसका नाम इसीलिए इसका रखा गया ट्रिपिकल ब्लीडिंग हार्ट, और ये आपके घर को खूबसूरत बना देता है, बहुत ही प्यारा फूल होता है इसमें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों पेड़ पौधे लगाते रहिए और बच्चों को भी मोटिवेट करते रहिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों 1K सब्सक्राइबर मेरे पूरे होने वाले हैं और आपके साथ ही मेरा जो है प्रोग्रेस होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।